हेलो व्हाट्स अप गाइस। सो ये है वीडियो बहुत ही स्पेशल वाला रक्षाबंधन में सिंपल मेकअप लुक पे। तो ये सिंपल घर के डेली मेकअप लुक पे है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने फेस वॉश करके मॉइस्चराइज कर लिया, एक पिंपल हो गया है जिसकी वजह से मेकअप थोड़ा सा करने में डर लग रहा है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल सा कर रही हूँ। सो मैंने जोविस का कुकुम्बर वाला टोनर लगा लिया है। तो टोनर बहुत ही ज़रूरी होता है, स्किन काफ़ी फ्रेश दिखती है। तो आपके पास कोई भी प्राइमर हो वो आप लगा सकते हैं। मैंने हुडा ब्यूटी का यूज़ किया, लेकिन आपके पास प्राइमर ना भी हो तो आप एलोवेरा जेल से भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा प्राइम हो जाता है। और एक मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से बस इसको डैब 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 करके पूरे स्किन में ब्लेंड कर लूँगी। आप हैंड से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही मतलब ईजी सिंपल वाला है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो बस ये ब्लेंड हो गया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट थोड़ा सा कलर करेक्टर लगाऊंगा। तो मैं ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट्स जो भी आपके फेस पे जहाँ जहाँ भी हैं तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा वो छुप जाता है और थोड़ा सा बेटर दिखता है। अगर आपके स्किन पे मतलब नहीं है तो आप बिल्कुल इसको अवॉइड करिए, इसको मतलब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं ये ओलिविया का पैन स्टिक ले रही हूँ और इससे मैं मेकअप कर रही हूँ। फाउंडेशन की जगह मैं ये लगा रही हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है और आपके पास कोई और फाउंडेशन है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये इस वैसे ये वाला काफ़ी अफोर्डेबल होता है और बहुत ही इजी टू यूज़ भी होता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वांटिटी भी मिल जाता है। तो इसलिए ये वाला मतलब अगर सिंपल मेकअप लुक करना हो तो ये वाला काफ़ी ईजी होता है करना, तो मैं ये वाला ही यूज़ कर रही हूँ। ये प्रॉपर इससे मैं लगा के और मैं स्किन पे ब्लेंड कर रही हूँ। तो मैं नेक पे भी थोड़ा सा लगा रही हूँ क्योंकि नेक एरिया और फिर फेस एरिया का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट हो जाता है, तो मैं इसलिए नेक एरिया पे भी प्रॉपरली ब्लेंड कर ले रही हूँ। बाकी आप फिर जितने भी हाई पॉइंट्स वहाँ पे कंसीलर से ब्लेंड कर सकते हो। और कई बार होता है कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती पैन स्टिक्स लगाने के बाद, और आप या तो दोबारा कहीं लग रहा है तो पैन स्टिक्स से ही लगा सकते हैं। मैं इनसाइड का कंसीलर ले रही हूँ और जो भी हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पे बस मैं लगा ले रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं लगा रही हूँ मैं अभी। आईज़ के नीचे लगाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है तो इसलिए मैं वहाँ लगा रही हूँ क्योंकि वो डार्क सर्कल्स पूरा हाइड हो जाते हैं उससे। और बाकी मैं ये ब्रोज़ के पास लगाने से होता है कि बहुत ही ज़्यादा वो एरिया ब्रोज़ वाली डिफ़ाइन हो जाती है, सो मैं वहाँ पे भी लगा रही हूँ। सो बहुत ही इजी सिंपल सा है और आप इसको लगा सकते हो। ब्रोज़ एरिया डिफ़ाइन करने का सिंपल सा एक फंडा है क्योंकि मैं ब्रो पेंसिल है ये M&M की। सो ये सिंपल वाली ब्रो पेंसिल आप कोई भी ले सकते हो, 10-20 रुपये में बहुत ही आराम से मिल जाती है। सो मैं बहुत ज़्यादा ब्रो को अपने फिल नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ही मतलब नेचुरल सा पसंद है। तो मैं बस हल्का हल्का सा जस्ट आउटलाइन करके और ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्रश से। सो ये स्पूली भी मिलती है, इसमें ब्रश भी मिलता है, आप उससे बस ब्लेंड कर लीजिए आउटलाइन करके अगर आपको भी नेचुरल टाइप पसंद हो। और अगर आपको पसंद है थोड़ा फिल्ड वाला तो आप फिल कर सकते हैं। फिर ये SRF का मेरे पास ये पैलेट है और मैंने एक एंगुलर ब्रश लिया, मैं उसी से पूरा मेकअप कर लूँगी। सो मैं ड्रेस पहनी हूँ एक सिंपल सा येलो कलर का कुर्ती जो मैंने कुछ टाइम पहले मीशो और मिंत्रा के कंपैरिजन वाले हॉल में मैंने सूट किया था। सो बस मैं सिंपल सा एक पीचिस ऑरेंज कलर का शेड ले रही हूँ और उससे मैं अपना वो क्रीज लाइन बिल्ड कर ले रही हूँ। और कुछ नहीं, बस सिंपल सा एक क्रीज लाइन मैंने बिल्डअप कर लिया है और थोड़ा बहुत अगर बाहर आ भी जाता है तो आप उसको जस्ट स्वाइप कर लीजिएगा। और फिंगर के हेल्प से लेके मैं येलो कलर उस पर बस अप्लाई कर ले रही हूँ और कुछ ही नहीं कर रही हूँ। लास्ट में अगर आपको लगता है कि ब्लेंडेड नहीं दिख रहा है तो आप ब्लेंड कर सकते हैं, अदरवाइज बस फिंगर से प्लेस कर लीजिए। अगर आप ब्रश से लगाते हैं कोई भी लाइट कलर, स्पेशली येलो कलर, ऐसा होता है ना कि ब्रश से लगाने के बाद भी ना ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि लाइक इसमें कई बार कलर अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मतलब लाइट शेड आता है, बहुत प्रॉपर पॉप होके नहीं आता। इसलिए ऐसा कलर स्पेशली येलो का मैंने जितनी बार ट्राई किया है तो मुझे यही समझ में आया कि इसको फिंगर से लगाना बेस्ट होता है, 2 से 3 अप्लाई में बहुत ही प्रॉपर लग जाता है। बाकी आप ब्रश से फिर इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके शेप दे दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, 2 मिनट्स भी नहीं लगते हैं, पूरा प्रॉपर ख़त्म। सो मैंने क्रीज को और जो मेरा वो उसको मैंने प्रॉपर
ब्लेंड कर लिया और आप आईलाइनर लगा लीजिए। अगर आपको विंग लगाना है विंग वाला लगाइए, सिंपल आईलाइनर लगाना है, पतला लगाना है, थिक लगाना है, जैसा भी लगाना आप लगा सकते हैं। सो जस्ट मैं हल्का सा विंग वाला लगा रही हूँ। और घर का है रक्षाबंधन मेकअप लुक, डे लाइट है, और अगर सिंपल आपको रखना है तो आप मस्कारा वगैरह अगर आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं उसको। सो हल्का सा मस्कारा लगा सकते हैं बट फॉल्स आईलैशेस बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं हल्का सा मस्कारा लगाऊंगी लेकिन फॉल्स आईलैशेस बिल्कुल अवॉइड करूंगी। इसको मैं थोड़ा सा विंग सही कर रही थी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, या कभी कभी हो जाता है, मतलब कई बार होता है ना, कैमरे में देख के लगाने भी उतना सही नहीं लग पाता, बट अगर मिरर में देख के लगाया ज़्यादा बेटर लगता है। ये मैं वो ले रही हूँ, कॉम्पैक्ट पाउडर ली हूँ मैक का, और उससे मैं प्रॉपरली अपना फेस कॉम्पैक्ट पाउडर से बेक कर ली हूँ। अब मैं ये माई ग्लैम का ले रही हूँ कॉन्टोर, और कॉन्टोर से मैं बस हल्का हल्का सा कॉन्टोर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही लाइट सा कॉन्टोर कर रही हूँ। अगर आपका फेस चबी नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, आप दिन के मेकअप में और लाइट मेकअप में पूरा अवॉइड कर सकते हैं। मैं बहुत ही हल्का हल्का सा कॉन्टोर कर ले रही हूँ ब्रश, और मैं एक सिंगल ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ, उसी से मैं सारा चीज़ करूँ। मैंने इसी से अभी फेस को बेक भी किया, पाउडर भी लगाया, और मैं इसी से ही, ये एक फ्लफी ब्रश है, बड़ा ब्रश है, और उसी से मैं उसको पेन लगा के या फिंगर से इसको चिपटा करके उसी से मैं सारा कर लेती हूँ, और वो हर ब्रश का काम कर जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कॉन्टोरिंग भी है, और इसी से बहुत ही अच्छा देखिए ब्लश भी लग गया। मैं बहुत ही लाइट सा ब्लश भी लगाई हूँ, मुझे ब्लश बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पसंद है, तो मैं बहुत लाइट सा ऐसे पीचिश शेड में लगाई हूँ। और ये मैं रेवोल्यूशन का हाइलाइटर लगा रही हूँ, हाइलाइटर भी बहुत हल्का ही लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ। अगर हैवी मेकअप रहता है तो थोड़ा हाइलाइटर ज़्यादा अच्छा लगता है, बट घर में मेकअप है तो बहुत ही हल्का सा लगाना है, जस्ट बस ग्लोई सा लगे फेस और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कितने ही सिंपली और मतलब कितना ईजी क्विक मेकअप ये रेडी हो गया। तो आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। और अगर मतलब सारे सामान रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो मे बी आपको 5 मिनट्स ही लगे, 5 to 10 मिनट्स में, मतलब जो रियल टाइम है वो मैं बता रही हूँ कि 5 to 10 मिनट्स में बहुत ही मस्त सा सुंदर सिंपल मेकअप लुक रेडी हो जाएगा। तो मैंने गोल्डन ईयरिंग भी ले ली है और एक गोल्डन बिंदी भी लगा ली, क्योंकि मेरे ड्रेस पे गोल्डन कलर का छोटा छोटा सा एम्ब्रॉयडरी टाइप किया हुआ है प्रिंट है। और बस मैं एकदम सिंपल सा हेयर भी अपना टाई कर ली, सिंपल एक हाई पोनी टेल कर ली हूँ, और कुछ नहीं है, 2-4 फ्लिक्स निकाल ली, बस मेरा ये लुक कंप्लीट हो गया। सो आई होप कि आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। ये बिल्कुल ही बिगनर वाला इजी वाला मेकअप लुक है, बस एक ही पिंपल था जो थोड़ा सा लुक को ख़राब कर रहा था, बट इट्स ओके। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो बहुत जल्दी मैं एक बहुत ही मस्त वाले ब्लॉग के साथ आने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ। बाय बाय।